मेरे आंसू सीख लो मुस्कुराना। ये पंक्तियां महाभारत के पन्ने से जुड़ाई हुई है। आइए, ये उस समय की बात, जब महाभारत हो जाता है और कौरव पांडव का युद्ध समाप्त हो जाता है, पांडव जीत जाते हैं तो सभी को श्रद्धांजलि देते हुए जाते हैं, तो कुंती कहती है, कर्ण की समाधि के पास से निकलते हैं, तो कुंती कहती है कि हे पुत्र, इस कर्ण को भी समाधि दे दो। तो पांडव चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं कि हे माँ, ये तो सबसे बड़ा हमारा शत्रु था, सबसे बड़ा दुश्मन था, आप इसको श्रद्धांजलि दे दो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कुंती कहते हैं, एक राज था जो मैंने आपसे अब तक छुपा के रखा था, लेकिन आज मैं आपको वो बताती हूँ, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं था, ये मेरा पुत्र था। पांडव कहते हैं, माँ इतनी बड़ी बात आपने हमसे क्यों छुपाई, ऐसा आपने क्यों किया माँ। कुंती कहने लगते हैं, वो ऐसा गम का प्याला था जिसे जिप्या पीने नहीं देती, और जल में इसे बहाती ना तो ये दुनिया जीने नहीं देती। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो ये दुनिया मुझे संसार जीने नहीं देता, अगर मैं ऐसा नहीं करती। तो पांडव रो रो करके मैया से कहने लगते हैं, अरे राज माता न हमसे छुपाती, अरे राज माता न हमसे छुपाती, तो भाई से टूट भाई चारा न जाता, करण जैसा भाई से छुपाती, तो भाई से टूट भाई चारा न जाना, करण जैसा भाई
और ना ही वो नैनों का तुम्हारा तारा हमसे दूर होता ना आपसे दूर होता। किसी न किसी से निकल ही जाएगी वो, इसीलिए कहा है
इतना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे भाई कितना दुश्मन हो उसे भेद छुपाना ना चाहिए। और चाहे प्रिया कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना जैसा भाई।